एफआईआर दर्ज होता, कमिश्नर बैठते हैं एक मोर पे, हम ऐसे ही खाए थे, इसके ऊपर दही भी डला हुआ था। चल एक और चैलेंज रखते हैं फिर। ये देखिए क्या हो रहा है, नीम का पेस्ट लगा करके चेहरे पे ये सोया हुआ है, आकर के अपने ब्रदर के पास भैया के बिस्तर पे इस तरफ से मच्छरदानी खोल करके लेटा हुआ है। ऑफिस जाने की तैयारी है इनकी। नीम लगाया है क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। गुड मॉर्निंग। मेरी प्रिंसेस, मेरी हीरोइन इधर खेल रही है अपने बाबा के गोद में। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग तो बोले ही नहीं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज तब सवेरे उठ गए हैं भाई, और दिन की अपेक्षा। तो ये देखिए कड़ी पत्ता मेरा कितना अच्छा हो गया है, ऊपर से मैं ये तोड़ दी थी टखनी तो खूब अच्छा से खुल गया है। हालांकि हमको यहाँ से तोड़ना चाहिए था तो अच्छा रहता, ज्यादा लंबा हो गया ना बेटा। है ना बेटा, गुड मॉर्निंग। कल दो गुड मॉर्निंग। तो जा रहे हैं फिर बैंक एज यूजुअल, वही 1-2 तारीख, कुछ काम और भी है बैंक का। सो के उठे और ब्रश किए और सीधे भाग गए, आके नहाएंगे धोएंगे। बेटू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ छोना, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। नो, डोंट टच दैट। हाँ बेटा, क्या है बोलिए। दादा। अरे बाप रे बाप, गाड़ी वाला कितना मांग रहा है, ना गाड़ी मिल रही है ना घर मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। प्लान भी बन रहा है सब जगह जाने का और गाड़ी भी नहीं, गाड़ी भी बहुत महंगा हो रहा है और घर तो खैर हो ही रहा है महंगा। देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाया जाएगा, कहाँ कहाँ होगा। कहते हैं ना घर में रहने के साइड इफेक्ट, वही साइड इफेक्ट है। आज मुझे दूध लाने के लिए जाना पड़ रहा है, पहले तो लोग लेकर के आते थे, आज मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग द मिल्क, काउ मिल्क। हम लोग दूध यहाँ से लेते हैं, ये जो सामने आप झोपड़ी देख रहे होंगे, लेकिन रास्ते में पानी भर गया है तो हम लोग दूध लेने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। मतलब कीचड़ हो गया, पानी भरा हुआ ज्यादा नहीं है, पानी ज्यादा नहीं है, कीचड़ हो गया है, कीचड़ में नहीं जा सकते। तो वहाँ से बच्चा जो है दूध लेकर के आएगा। बारिश में यही परेशानी होती है कि दूध लेने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, झोपड़ी तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पे गाय रखती है, वहाँ से वो लेकर के बच्चा आता है, दे करके जाता है हम लोगों को दूध यहाँ पे। इधर में देखिए छोटे छोटे बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस खेल नहीं रहे मतलब सीख रहे हैं, टेनिस का कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप है यहाँ पे, छोटे बड़े सभी आते हैं। अभी छोटे बच्चे खेल रहे हैं सुबह में, मॉर्निंग में मतलब बड़े लोग रहते हैं। बहुत मेहनती बच्चा है ये, रोज हम लोगों का डुल्लू लेकर के जाता है, दूध लेकर के आता है। थैंक यू बेटा। इधर दादी उधर पोती, ज्यादा जोर से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसका ध्यान हट जाएगा। देखिए इसकी हरकतें कैसी है। कॉपीराइट आ जाएगा। दूध मैं लेकर के आ गया, अब दूध मैं रख दे रहा हूँ। आज पूरे दिन मैं व्यस्त रहा हूँ, कपड़े धोया, कपड़े धोने के बाद कपड़े उठाया जो सूख गए वो, और अब दूध लेकर के आया हूँ। डैडी कर रही है ब्लॉगर। ब्लॉगर, अरे वाह, अब बेटे ने देखा कि माँ तो सुनती नहीं है। माँ अपना अपने लेवल पे माँ करती है। ब्लॉग तो बनाना ही है। गुल्ली हमारी खेल रही है, बेटी पोती खेल रही है, उनको देख करके हमको बात करके आई है मेरे गोद में आने के लिए। लेकिन शैडो आ गई बीच में, शैडो को देख रही है, शैडो के साथ मतलब दोस्ती भी है और दुश्मनी भी है, दुश्मनी इन द सेंस की डर भी है। शैडो को छुएगी नहीं, शैडो को अगर पकड़ने के लिए बोले तो पकड़ेगी नहीं। और आप मालिक से बात नहीं कीजिएगा, बात कीजिए पहले। भाई बात कीजिए, करते हैं भाई। ये साजिश है दादी को पता है। मन्ना उपचे और नया नया प्रांत को ना दोबारा से करवाए। नो टंकी, नो टंकी। गुगुआ मन्ना उपचे धन्ना गुगुआ
क्या वाला है भाई? अच्छा अच्छा लो दो हाथ दो हाथ दो ना गुगुआ मन्ना उपुचे थक गई दादी अब थक गए अंदर हो जाएगा इसी बहाने होगा तो सबको की छुट्टी आज है आज और कल है तो अच्छा लग रहा है हाँ देखो जो दो दिन में ना अब मुझे कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी मुझे जिम हाँ एक दिन में यहाँ हम लोग सातों दिन करते हैं हाथी के दांत गिने जाते हैं जो मम्मी के दांत गिन रही कह रहा था बज चुके हैं डैडी आज मैं नहीं जाता हूँ छोड़ो जैसे ही ने बोलो मैं नहीं जाता हूँ फोन आ गया आज मीटिंग है प्रेजेंट होना है साइट पे और ये भी हो गया कि भाई लेट आऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं, नहीं जाऊंगा लेकिन जाऊंगा तो लेट आऊंगा नहीं लेट नहीं आऊंगा जल्दी आऊंगा बोला था बट आए मेरा बच्चा आए मेरा काजू हाँ मेरा काजू हाँ मेरा काजू कैसे देख रही है मेरी बच्ची अगर मीटिंग के नाम पे हुआ क्या कुछ नहीं दो एक कचौड़ी एक पैटीज और एक बाउल ऑफ वो मतलब फूड फ्रूट कट्स मिले कटे हुए फ्रूट क्योंकि जो कमिश्नर को आना था वो बाहर ही बाहर से देख के चले गए और हम लोग बेवकूफ की तरह वहाँ बैठे रह गए बस सॉरी फैमिली मैंने जो ब्लॉग नहीं डाला था वो आज डालेंगे मतलब आज वाले ब्लॉग में आप लोग ने देख लिया होगा रिदू क्या खा रहा है क्या खा रहा है रिदू क्यूटी क्यूटी डॉल बच्चा नहीं अब नहीं बोलूंगा सबने बहुत पॉइंट आउट किया है नहीं मगर सही में जैकी श्रॉफ की तरह हाय मेरा बच्चा जैकी श्रॉफ आया वो उनने सही बोला मैम ने हाँ जैकी श्रॉफ की तरह वाह जस्ट कम क्लोज अप वाह ये देखिए उपमा है उपमा के ऊपर मतलब वैसे मालूम है बेसिकली इसी तरह से खाया जाता है पुआ खाया जाता है ये नहीं नहीं इस तरह से याद है चेन्नई में जब हम लोग खाए थे एगमोर पे हम ऐसे ही खाए थे इसके ऊपर दही भी डला हुआ था एगमोर ना प्लेस का नाम है एगमोर मतलब अंडा और मोर हाँ नहीं चेन्नई साइड के लोगों को पता होगा है ना बिट्टू बाबू को पता है तो लोगों को नहीं पता होगा ए, आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे रिद्धि को सिलाया जा रहा है अंकल के पीछे रिद्धि है उसको सिलाया जा रहा है हाँ वो हमारे बिहार में कहा जाता है अघूरिया देना मतलब चौकीदारी करना एक वो कर रही है एक वो कर रहे हैं एक ये कर रहे हैं तीन तीन लोग अब बताइए इससे ज्यादा खुश नसीब क्या होगी वो शैडो नहीं जाना पीटर अंदर आप हमारे साथ चलो और धीरे धीरे बोलने की बात खत्म होती है और हम तेज से बोलेंगे और सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी कल वाले ब्लॉग को दो पार्ट में करना पड़ गया क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि ऑफिस में ऐसी मीटिंग होती है हमारी कमिश्नर साहब आ रहे हैं शगुन कमिश्नर साहब आ रहे हैं सारे खड़े हो जाओ अबे एफआईआर वाले कमिश्नर नहीं है वाले एमसीडी एमसीडी मैंने लाइफ में एक ही कमिश्नर का नाम जाता कि एफआईआर दर्ज होता कमिश्नर बैठते हैं चेक करते हैं एफआईआर को एफआईआर को कमिश्नर चेक करते हैं शगुन प्लीज प्लीज मैं नहीं चाहता हूँ कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम बहुत पढ़ी लिखी हो डबल मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट हो इसलिए प्लीज तो कमिश्नर साहब आए नहीं मतलब आए बाहर बाहर से प्रोजेक्ट देख के चले गए ठीक था प्रोजेक्ट अच्छा था इसलिए उन लोगों ने ज्यादा भी कुछ वो नहीं किया अब मैं आप लोग को एक चीज बढ़िया सा दिखाता हूँ जो मेरी फेवरेट है बहुत ही फेवरेट है एंड बिहार में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है ये चीज एंड वो असम वाला जो हम लोगों ने बोला ना वो रियली बहुत ही मतलब आज भी मैं न्यूज देख रहा था बहुत दुख हो रहा है उस चीज का देख के कि यार मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है सब कुछ आ रहा है कि वो भी आना चाहिए बट वो आना चाहिए उस चीज को दिखाना चाहिए क्या ही कर सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का बाकी हम ये दिखाते हैं आपको हो आज बनने जा रहा है बैगन का भरता और शगुन का भरता और शगुन का भरता मेरा चोखा अच्छा तुम्हारा चोखा कोई ऑफिस जाकर इतना मेहनत कर सकता है ना कोई चिट्ठी ना संदेश आगे का गाना नहीं आता देखा कितना किचन को कितना मैस बना के रखा है देखो मैस बना के रखा है काम कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है मैस बना के रखा है अभी मैंने प्याज काटा प्याज को अभी और काट रहा हूँ फिर उसके बाद बैगन छीलना है फिर आलू छीलना है फिर टमाटर छीलना है सो मच ऑफ वर्कलोड
ये क्या करती है सुबह सुबह, मतलब अभी जब मैं आता हूँ ऑफिस से, नाश्ता देती है, उसके बाद ब्लैकमेल करती है मुझे, काम करोगे तो आगे खाना मिलेगा। एक मर्द की जिंदगी कैसी हो गई है, देख लो। नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, हम लोग सबको अच्छा लगता है। डैडी भी जब एयरफोर्स में थे, जब डैडी अपने हेडक्वार्टर से आते थे, उसके बाद डैडी भी मम्मी का हेल्प करते थे। मैं भी लेकिन मुझे ये चीज होने क्या प्रॉब्लम है, कंटिन्यू करो ऑफिस आने के बाद अगर हेल्प हो ही जाए तो क्या प्रॉब्लम, क्या समझ में नहीं आता। कृपया करके वो मर्द भी ये चीज सुने जो शगुन बोल रही है। ये कौन सा आम है? ये वही है, ये दशहरी है। दशहरी नहीं है। और कैसे बेटू? मिलता जुलता है आम केले तो सही। कल खाना बेटा, कल। अरे नहीं नहीं, आज ही खाना, आज ही खाना। अभी जाते हैं। खिचड़ी कौन खाएगा बेटा? खिचड़ी, आम खाओगे तो खिचड़ी कौन खाएगा? आम 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 खाना है बेटू, आम खाना है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, पड़ा हुआ है, खुश है बेटू? दादा लाए, अरे बोप लो बोप, आम के लिए तो दीवानी हो गई है। पापा पे गई है अपने, अपना लुटिया उधारी डूब गई है। अरे बाप रे बाप, पापा से प्यार हो गया भैया। भाई आप लोग को एक चीज बता दे, बचपन में हम लोग भी इतने आम के दीवाने थे, मतलब मैं तो स्पेशली इतना दीवाना था कि रात में सोते सोते भी सोचता था कि बगीचे में, आम के बगीचे में खड़ा हूँ। और ठीक है, बचपन की बात बता दे रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, सुसु कर दिया था। सोचा कि बगीचे में खड़ा हूँ और आम का इतना दीवाना था, सुबह 4 बजे उठ के बगीचे में चल जाता था अपने मौसी के घर पे। और मेरी छोटी माँ है जो मतलब सबसे छोटे वाले चाचा जी है, उनके घर पे जब उनके ससुराल गए थे, बेड के नीचे आम रखे रहते थे, उसमें घुस जाते थे हम लोग। इतना आम तो मेरा और भैया का इतना फेवरेट है, उतना ही फेवरेट मेरी बेटी का भी है। आम गांव में घर के पीछे ही था, आम का पेड़। हाँ, और जहाँ रेस कोर्स में, मतलब उतना छोटा था मुझे याद नहीं, बेलगाम में। हाँ बेलगाम में जहाँ एयरफोर्स क्वार्टर था हमारा, वहाँ पे भी ऐसे ही था, बट मैं बहुत टिंगू था इसलिए मुझे याद नहीं है। मेरा बच्चा, आम चाहिए आम। सबके सब खाने बैठ गए हैं। ये नहीं हो रहा कि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, उस इंसान का कोई बोले कि हाँ भाई इतनी मेहनत की, इतना बढ़िया बना है। दिस प्लेट इज डेडिकेटेड फॉर यू। अच्छा, दिस प्लेट इज डेडिकेटेड फॉर मी। ओके, आज का दिन ऐसा रहा। वैसे आप लोग को एक चीज बता दे, जो हम लोग आप लोग को बताया था कि हम लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं, आना था शिमला कसौली, बट कसौली में पता है एक बहुत ही बढ़िया जगह है, मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट पे मम्मी डैडी ने मन्नत मांगी थी जब भैया हुए थे, ऐसा ही कुछ था डैडी? शादी हुई थी। अच्छा, शादी शादी होने के बाद में मन्नत मांगी थी कि भैया हो जाए, मतलब कि बच्चा हो मंकी पॉइंट पे। नहीं तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी जब पता था नहीं कि बच्चा है पेट में। अच्छा, तो बार बार मैं हर मंगलवार को चढ़ती थी तो पेट में दर्द होने लगता था। तो अच्छा, आपको पता नहीं था अमिताभ है पेट में? चढ़ते थे फिर डॉक्टर के यहाँ जाते थे, डॉक्टर ऐसे ही नॉर्मल दवा दे देता था ऐसा, लेकिन ज्यादा हार्ड दवा नहीं देता था वो, तथा ऐसे हो जाता है। न्यूली मैरिड थे तो वो लोग भी समझते थे। उसके बाद लास्ट में जब चेक करवाया तब पता चला अमिताभ है। अंदर से अमिताभ ने बोला हाय, अमिताभ नहीं, तो पता चला कि हाँ है। अच्छा, अमिताभ नहीं तो कौन था? उसके बाद नहीं, ऐसा चढ़ते थे कि एक्चुअली आप लोग को एक चीज और बता दो, जब डैडी एयरफोर्स में थे तो कसौली में पोस्टेड थे। हाँ, हुई थी तब कसौली में। देखा, सब कुछ तो इन लोगों ने मजे ले लिया। हम लोग बचपन बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन जा रहा है भाई? नहीं अभी अभी नहीं बोलना, अभी नहीं, अभी पहले, अभी पहले फिक्स हो जाए। अच्छा, पहले अभी फिक्स हो जाए, अभी फाइनल हो जाए, फिर फाइनल हो गया, हो गया, बात कर ली अपने दोस्त। चलिए ठीक है, तो आप लोग को भी बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, मगर अभी नहीं, पहले गाड़ियाँ भी बुक हो जाए, क्योंकि गाड़ी अभी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं हो गया, गाड़ी भी हो गई, गाड़ी भी हो गई। अभी अभी जस्ट 2 सेकंड भी नहीं हुआ। अच्छा, रूम में ही तो बड़ी है, छोटी है, कैसे? बड़ी वही अंकल के। अच्छा, मुझे मना करके शी हैज स्टार्टेड रिवीलिंग द प्लान। वही तो, नहीं मना क्या किए, मतलब नहीं नहीं, जगह का नहीं बताना है, सो नहीं बताए हैं। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग वो फिक्स कर, छतरपुर जा रहे हैं कि। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इमोशन समझ सकता हूँ। चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, और अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कल एक और चैलेंज रखते हैं फिर इसी के लिए। चैनल को थोड़ा बढ़ाना है, कल अच्छा चैलेंज है, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है, बाकी है बहुत अच्छा चैलेंज। हाँ, जो अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना पाएंगे तो बाहर में ही बनेगा। चैलेंजिंग, हाँ, कल का था चैलेंजिंग। जीएसटी, जीएसटी मतलब गलती सब तुम्हारी है।
बीवियों का कहना है। डैडी ने अभी अभी जोक पढ़ा है। चलिए इसी के साथ में ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आवर चैनल रिटायर कपल। बाय बाय, गुड नाइट नाइट, खिचड़ी खाइए।